अगर भाई तुम लोग सोचते हो ना कि भाई लड़की पटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो भाई ये 5 काम करना अगर स्टार्ट कर देते हो ना, तो भाई कोई भी लड़की बहुत ही आसानी से तुमसे पट जाएगी। खाओ माँ कसम। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आओ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई नंबर 5 पे डीप वॉइस। अगर भाई तुम्हारे पास डीप वॉइस है ना, तो भाई तुम किसी भी लड़की को ना हरास कर सकते हो, उसको भाई सिड्यूस कर सकते हो बस अपने वॉइस से। बस भाई तुम अगर कुछ भी ऐसा बोलोगे ना, तो भाई लड़की इंप्रेस हो जाएगी तुमसे। तो भाई अगर तुम्हारे पास डीप वॉइस नहीं है ना, तो भाई कुछ एक्सरसाइज तुमको तुम्हारा भाई बताता है। ये भाई नीचे स्क्रीन पे थोड़े फोटोज है, उसको भाई अगर ये एक्सरसाइज तुम करते हो तो भाई तुम्हारी वॉइस डीप हो जाएगी। और भाई तुम किसी भी लड़की को अगर बोलोगे ना हेलो बेबी, तो भाई वो लड़की मतलब तुमसे बात करना चाहेगी, तुमसे इंटरेक्ट करना चाहेगी, और हो सकता है भाई बहुत ही जल्दी इंप्रेस भी हो जाए तुमसे। तो भाई तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास ना डीप वॉइस होना चाहिए किसी भी लड़की को सिड्यूस करने के लिए एक बार में, भाई पहली मुलाकात में। तो भाई अगर तुम डीप वॉइस की प्रैक्टिस करते हो तो भाई तुम्हारे लिए लड़की पटाना बहुत ही आसान होने वाला है। नंबर 4 बिहेवियर। भाई अगर तुम किसी भी लड़की से मिलते हो ना, अगर भाई तुम उससे बात करने जाते हो ना, तो भाई तुम्हारी बातों में रिस्पेक्ट होना चाहिए, तुम्हारे भाई बिहेवियर में रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर भाई तुम लड़की से बात करने जा रहे हो तो उसका भाई कोई भी अगर लड़की है ना, कोई भी वुमेन है ना, तो भाई उसका रिस्पेक्ट करो। क्योंकि भाई देखो, लड़की को अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे ना, तो भाई जो लड़की का थॉट्स रहेगा तुम्हारे लिए, उसके दिमाग में भाई पूरा चेंज हो जाएगा, और भाई वो तुमको ना एज अ लाइक लाइफ पार्टनर सोचने लगेगी, एज अ पार्टनर सोचने लगेगी तुमको। तो भाई अगर तुम ये करते हो ना कि भाई अपने बिहेवियर में थोड़ी सिंसियरिटी लाते हो, थोड़ी रिस्पेक्ट लाओगे ना, और भाई अगर आराम से लड़की से प्यार से बात करोगे ना, तो भाई कोई भी लड़की ना तुमसे पट जाएगी। तो भाई एक बात हमेशा याद रखना कि भाई जब भी तुम लड़की से बात करो, तुम्हारे भाई बिहेवियर में रिस्पेक्ट जरूर होना चाहिए। नंबर 3 एस्टोनिशिंग लुक। अगर भाई तुम्हारे पास ना मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब स्मार्ट लुक है ना तुम्हारे पास, तो भाई लड़की तुमसे खुद आएंगी बात करने। तो भाई तुम अपने ना, अगर भाई तुम्हारा लुक सही नहीं है ना, तो भाई तुम्हारा भाई ऐसे बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स डाल चुका है, जिसको भाई अगर तुम देखते हो तो भाई तुम सीख जाओगे कि भाई मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा स्टाइल, एक अच्छा मतलब लुक कैसे हो सकता है। तो भाई अगर तुम कभी भी ना लड़की से मिलने जा रहे हो, तो भाई एक अपना अच्छा स्टाइल रखो, एक अच्छा लुक रखो, कि भाई अगर मतलब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुम उस लड़की से जाके बात कर लो, तो भाई लड़की तुम्हारे स्टाइल को, तुम्हारे लुक को देख के तुम्हारे पास खुद चल के आएगी तुमसे बात करने, हो सके तो शायद प्रपोज भी कर देगी तुमको। तो भाई तुम ना सबसे बेस्ट चीज़ है तुम्हारा कि भाई अगर तुम अपना कहीं पे भी जाते हो, तो भाई अगर अपना लुक अच्छा रखोगे, तो भाई कोई भी लड़की, कोई भी तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। क्योंकि भाई पहली बार में जो भी चीज़ आता है वो लुक होता है, लुक क्योंकि मैटर करता है भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। भाई बाद में सोल वगैरह आता है, बाद में ट्रस्ट आता है, बाद में हर चीज़ आता है, ठीक है, लेकिन भाई सबसे पहले जो चीज़ आता है ना वो लुक आता है। तो भाई अपने लुक को स्टाइल करना शुरू कर दो, तो भाई कोई भी लड़की ना तुम्हारे ही पास रहेगी, तुमसे ही बात करना चाहेगी, तुम्हारी ही बन के रहेगी। नंबर 2 नॉट अफ्रेड टू फ्लर्ट, नॉट अफ्रेड फॉर रिजेक्शन ऑल्सो। भाई अगर जो भी प्लेबॉय होता है ना, तो भाई वो लड़की अगर एक लड़की उसको रिजेक्ट करती है ना, तो भाई वो दूसरे लड़की पे ट्राई करेगा, दूसरी अगर ना बोलेगी वो तीसरी पे ट्राई करेगा, पर भाई वो हमेशा ट्राई करता रहेगा। तो भाई अगर मतलब तुमसे ना कोई भी लड़की मतलब नहीं ना पट रही है, तो भाई तुम किसी और लड़की पे जाके ट्राई करो। एक ही लड़की नहीं है भाई दुनिया में, उसके पीछे भाई भाग के अपना टाइम और एनर्जी भाई वेस्ट मत करो। अगर भाई एक लड़की तुम मतलब किसी भी लड़की को अगर तुम प्रपोज किए ना, तो भाई अगर वो लड़की तुमको मना कर रही है, तो भाई छोड़ो उसको, जाके दूसरी लड़की पे ट्राई करो। भाई बहुत सारी लड़की है दुनिया में, क्योंकि भाई जो प्लेबॉय होते हैं, अगर भाई उनको एक लड़की ना ऑन द स्पॉट मतलब भाई अगर 3-4 लड़की ऐसे रहे, तो भाई अगर पहली उसको मना करेगी ना, तो भाई वो दूसरी पे ट्राई करेगा, दूसरी अगर मना करेगी वो तीसरी पे ट्राई करेगा, तीसरी मना करेगी वो भाई वो चौथी पे ट्राई करेगा। पर भाई वो भाई प्लेबॉय जो चीज होता है ना, वो भाई हर लोगों पे ट्राई करता है, कोई तो पटेगी, एक लड़की के पीछे वो नहीं भागता। पर भाई बोनस पॉइंट है इस वीडियो का कि भाई आई कांटेक्ट, क्योंकि भाई देखो मेन चीज़ जो भी होता है ना लड़की को मतलब इंटरेक्ट करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसको मतलब पास बुलाने के लिए, वो भाई मेनली चीज़ काम करता है ना आई कांटेक्ट। तो भाई जितना अच्छा तुम्हारा आई कांटेक्ट होगा ना, उतना जल्दी उतना आसानी से भाई तुम लड़की को अपने पास बुला सकते हो, उससे बात करके उसको भाई पटा सकते हो। तो भाई जो मेन चीज़ है ना, अगर भाई लड़की तुमसे आई कांटेक्ट कर रही है, तो भाई वहाँ पे तुमको शर्माना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, तुमको भाई फुल कॉन्फिडेंस फील करना है, और भाई तुमको भी
आई कॉन्टेक्ट बैक करना है भाई, मतलब उसको तुम भी देखते रहो भाई, जब तक वो नजर नहीं हटा देना तो भाई तब तक तुम भी नजर ना हटाओ भाई, देखना है उसको। यहाँ पे भाई ये चीज नोटिस करना, ये पॉइंट आउट करना कि भाई उसको देखना है ना कि घूरना है भाई, उसको इशारे कर सकते हो आंखों से ना कि आंख मारना है उसको, मतलब भाई ऐसे अगर उसको आई कांटेक्ट कर रहे हो ना, अगर भाई दो तीन बार तुम ब्लिंक कर देते हो तो भाई इसका मतलब होता है कि भाई तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो, तो भाई वो भी लड़की सोचेगी ना, मतलब ये भी इधर से इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो भी इंटरेस्टेड रहेगी, तभी आई कांटेक्ट हो रहा है, तो भाई वो लड़की तुमसे बात करने आएगी। तो भाई ये जो ब्लिंक और आई कांटेक्ट का कॉम्बो है ना, अगर भाई तुम करते हो तो भाई देखो तुमको ये स्टार्ट नहीं करना है, अगर भाई तुमको वो लड़की पसंद नहीं है ना तो भाई तुमको नहीं स्टार्ट करना है, अगर भाई तुम देख रहे हो कि वो सामने से लाइन आ रहा है तो भाई तुम कर सकते हो आराम से, अगर भाई थोड़ा सा भी ऐसा कुछ होता है ना तो भाई उसको थोड़े मतलब 4-5 सेकंड तक उससे आई कॉन्टेक्ट करो, फिर भाई 2-3 बार ब्लिंक कर दो, मतलब भाई प्यार से ब्लिंक करना, जैसे ऐसे वगैरह भाई करके ब्लिंक करके भाई उसको इशारा दे सकते हो कि मतलब हाँ हम भी इंटरेस्टेड हैं। नंबर 1, नॉट ओवर रिएक्ट भाई, अगर मतलब कुछ भी तुम्हारे लाइफ में हो रहा है ना भाई, लड़की कर रही है भाई, कोई भी कर रहा है ना, तो भाई ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी फील्ड में। अगर भाई कुछ भी हो रहा है, अगर भाई लड़की तुमको थप्पड़ मार दी ना भाई, वहां से चुपचाप उठ के चले जाओ, क्योंकि भाई लड़कियों पे हाथ उठाना इज नॉट गुड। या भाई अगर लड़की तुमको ना सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट कर रही है तो भाई उसका इंसल्ट बैक कभी मत करना, उससे भाई घंटा तुम्हारे मतलब किसी भी कैरेक्टर पे, या भाई ऐसे तुम कैरेक्टर लेस नहीं बन जाओगे उस लड़की के बेइज्जती करने पे। वो लड़की होती कौन है भाई तुम्हारा बेइज्जती करके तुमको नीचा दिखाने वाली, तो भाई इस चीज का वो टेंशन लो ही ना, वहां पे भाई ओवर रिएक्ट मत करो। अगर भाई लड़की मतलब तुमसे कुछ भी कहती है ना, किसी भी चीज पे अगर ओवर रिएक्ट नहीं ना करते हो तो भाई लड़की को तुम बहुत ही आसानी से पटा सकते हो, और भाई वो लड़की है ना वो हमेशा भाई मैग्नेट की तरह तुमसे चिपकी रहेगी। तो भाई अगर लड़की मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी बोलती है कुछ भी करती है ना, ओवर रिएक्ट उस पर करना ही नहीं है। अगर भाई लड़की बोलती है ना कि मैं तुमको छोड़ दूंगी, लेट्स ब्रेकअप वगैरह, अगर भाई कुछ भी ऐसा बोलती है ना भाई, तुरंत वहां पे अगर बोलना है तुमको ये बोलो, जो तुमको करना है वो करो, आई डोंट केयर, या भाई वहां से बिना कुछ भी बोले चुपचाप भाई वहां से तुम चले जाओ, भाई लड़की के दिमाग में ना बहुत ही गंदा चीज होगा, फिर उसके बाद वो भाई सॉरी फील करेगी तुम्हारे लिए, और भाई लड़की ना तुमसे चिपकी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई तुम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ब्रो।